पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे QPR 2 का एक डेवफेस्ट का लेटेस्ट अपडेट आ गया है, जहाँ पे पूरा का पूरा न्यू UI आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, कम्प्लीटली यहाँ पे रीडिजाइन किया गया है इसको, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और स्मूथनेस तो यार रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो चुका है। आपको ऐसा फील होता है कि भाई अभी जस्ट फ़ोन को अनबॉक्स किए हो और सब कुछ उखाड़ के नंगा पुंगा करके फ़ोन को यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है रोम को यूज करने के टाइम पे। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसा परफॉर्मेंस है, डालने के टाइम पे क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप डिसाइड कर पाओ और अच्छे से इसे फ्लैश कर पाओ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि भाई इसका अपडेट आ गया है 5.2 वीकली अपडेट QPR 2 का, वीडियो लेके आओ। तो ये रहा आपके सामने, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और एक शेयर जरूर करना। वॉल पेपर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया है काफ़ी टाइम पहले, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसे मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया है जो कि देखने में अच्छा लगता है। हेडर इमेज भी सेट कर रखा है, कोई भी यहाँ पे लैग स्टटर देखने को नहीं मिला है, जो कि QoS के अंदर बहुत सारे रोम में हो जाता है जब भी हम इमेज वगैरह सेट करते हैं, तो बट ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको लाइका या फिर कह लो HyperOS 2.2 वाला कैमरा आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रॉपर वर्किंग है, 4K 60fps वगैरह मिल जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती, आप मज़े से यूज कर पाओगे। गूगल डायलर तो दिया गया है, बट डोंट वरी, यहाँ पे कॉलिंग के लिए आपको BCR इंक्लूड कर दिया गया है QPR 2 के अंदर, तो इसका टेंशन खत्म हो जाता है। ऑडियो क्वालिटी के लिए यहाँ पे आपको डॉल्बी दिया गया है, जो कि अच्छे से काम करता है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, मैं आपको ऑडियो सुना ही देता हूँ कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो इस जगह पे साइन आ जाता है और एक यहाँ पे बार रन कर रहा है। जैसे जैसे ऑडियो मेरे ख्याल से फुल होगा वैसे से यहाँ पे ये बार भी फुल होगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी भाई। कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ डाउनलोड करो तो कुछ प्ले करो तो यहाँ पे दिखाई देता है। ये काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पे जो देखने को हमें मिल जाता है। इसके साथ जो डिफॉल्ट लॉन्चर आता है वो इसी की तरफ से मॉडिफाइड किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और ये लॉन्चर आपने पहले भी देख रखा है, जहाँ पे देखो स्क्रॉल वाइब्रेट भी ऑप्शन मिलता है, जिसे आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। रिसेंट के अंदर मिल जाएगा ये आपको, ऐप ड्रॉअर के अंदर सर्च बार, कीबोर्ड ऑटो ऑन वगैरह, होम के अंदर लेआउट कस्टमाइजेशन वगैरह, यहाँ पे हॉटसेट वगैरह का और साथ से अदर ऑप्शन मिल जाते हैं सर्च बार वगैरह के। तो कस्टमाइजेशन तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिलते हैं लॉन्चर के अंदर। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये थीम्ड अप्लाई है, जो ऐसा वॉलपेपर है सेम उसी तरीके से कलर, तो ये काफ़ी सही लगा है मुझे। यहाँ पे स्मूथनेस रियली में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि गुड हमें देखने को मिल जाता है। और आप देखो यहाँ पे 2GB अवेलेबल है 8GB में से, आप कहोगे इसके हिसाब से यार बहुत बेकार है, बट कहीं पर भी कोई लैग स्टेटस देखने को नहीं मिलता। तो फ्री रैम के ऊपर मत जाना कि भाई बहुत कम फ्री है तो बल्ब ही जल्दी फुल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे मैं मैक्सिमम सारे टैब को ओपन कर रहा हूँ, जितने एप्लीकेशन है सारे यहाँ पे ओपन है, तब जाके इतना है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती यूज के टाइम पे, तो कंफ्यूज मत होना इससे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं, आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आपको देखने को मिल जाता है बॉटम पे अबाउट फोन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का टैग है, सिस्टम का टैग है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का टैग ऐसे मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो आप देखो इसका अबाउट सेशन भी कम्प्लीटली रीडिजाइन आपको दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे डिवाइस नेम, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह, मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसका 15.2 का ये लेटेस्ट वर्जन है QPR 2 का। एंड्रॉयड 15 है, मैं 5 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रियल किंग कर्नल यूज किया गया है, एंड मैं का आपको जो बिल्ड है देखने को मिलता है, सिलेनेक्स आपको यहाँ पे इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाता है। सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है प्रोफाइल और यहाँ पे नेबार वगैरह का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। जेस्चर्स के अंदर वही आपको क्विक टैब, बैक टैब, ओपन कैमरा, स्क्रीन शॉट और यहाँ पे फेक टू टॉर्च का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके आप है जो इंटेंसिटी वगैरह को भी है जो आप बढ़ा घटा सकते हो। ये चीज़ काफ़ी सही यहाँ पे निकल के आती है। सर्कल टू सर्च भी आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिवेट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। अपडेटर भी दिया गया है, डायग्नोसिस भी है, बट एक छोटा सा ग्लिच मुझे यहाँ पे लगा कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से आपको होगा हटाओ इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट इग्नोर करने वाली चीज़ है और उम्मीद है कि अगले टाइम ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप थोड़ा सा देखने को मिलता है। बाकी बैटरी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है टर्बो चार्जिंग, जो कि V5 वाला यूज किया गया वर्जन, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने पावर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर स्लो चार्जिंग करनी है, लॉन्ग टाइम तक चार्जिंग पे डाल के रखना है, तो इसे यूज कर लो, आपको
फास्ट चार्ज है तो ये, मीडियम चाहिए तो उसके अनुसार आप कंट्रोल कर सकते हो और ये काम करता है तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे पावर टूल भी मिल जाता है जो कि V6 यूज किया गया है, V5 यूज किया गया है नॉट V6, जो कि लेटेस्ट वाले हैं, ये भी आपको लेटेस्ट मिल जाता है। और इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आप इसे यूज करते हो तो आपका ये काम नहीं करेगा और इसे यूज करते हो तो आपका ये काम नहीं करेगा। बट नॉर्मली ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो यहाँ पे आके आप GPU वगैरह ऑप्टिमाइजर को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। उसके बाद बैटरी चार्जिंग कंट्रोल, बैटरी यूजेज, बैटरी अडप्टिव वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा है। और यहाँ पे बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है गेम स्पेस वगैरह जो कि आप यूज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, लेटेस्ट वाले सारी चीज़ें यूज करी गई है। क्लाउड सर्विस वगैरह आपको मिलता है, साइड बार आपको मिल जाता है, V5 का गेम बार देखने को आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो ये अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको क्लाउड सर्विस और बाकी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग मिल जाता है और यहाँ पे आते हैं तो एक पैनिक सेटिंग मिलता है जो कि आई थिंक पहले से भी था, बट जब से इंडिया पाक वाला चल रहा है ना, जब से इन सारी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ही नज़र जाती है। बाकी सारे वही बेसिक से कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल में आपको डॉल्बी और साथ साथ क्लियर स्पीकर के ऑप्शन मिल जाते हैं, पावर ऐप का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे हैप्टिक पैटर्न भी मिलता है और वॉल्यूम जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका जो वॉल्यूम टैब देखने को मिलता है और यहाँ पे आप देखो एनिमेशन किस तरीके से शो होता है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, कूल डाउन का फीचर दे दिया गया है नोटिफिकेशन का जो कि काफ़ी सही है और अभी ये कॉमन हो चुका है, सभी के अंदर आ रहा है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन और फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आपको यहां पे एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि पहले कहीं और होता था, तो यहां से आप अपना फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हो और ये आपका प्रॉपर काम करता है, तो ये चीज भी यहां पे मुझे काफी सही लगा। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है, डार्क मोड भी आपको वर्किंग मिल जाता है, प्योर ब्लैक है और यहां पे ओवरराइड फोर्स डार्क का ऑप्शन है, इनेबल ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, नाइट डिस्प्ले वगैरह है और यहां पे आपको देखने को मिलता है HBM लेटेस्ट वाला यूज किया गया है, हाई टच कॉलिंग रेट भी ऐड किया गया है और ये सारी चीजें चैनल में मेंशन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। पर ऐप का भी कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है जो कि लेटेस्ट वाला वर्जन यहाँ पे इसका यूज किया गया है, टैप टू बैकअप, टैप टू स्लीप, बैक ऑन प्लग भी आपको यहाँ पे मिलता है और ये इसका खुद का कस्टमाइजेशन जो कि पूरा का पूरा रीडिजाइन है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको डार्क मोड इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि अच्छा लगता है डार्क मोड यूज करते टाइम। साथ साथ यहाँ पे आपको मोनेट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बेसिक मोनेट फीचर्स है जो कि लंबे टाइम से आप यूज कर रहे हो, जब से एंड्रॉइड में मोनेट का फीचर्स ऐड हुआ है, जब से ये फीचर्स हमारे कस्टमरों में देखने को मिलता है। स्टेटस बार के अंदर आपको किक पुल डाउन, नेटवर्क ट्रैफिक, यहाँ पे लोगो कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लॉक का पोजीशन, ऑटो हाइट, बैटरी के अंदर आपको आईफोन 15, 16 इस तरीके से जो स्टाइल दिए गए हैं कुछ नए हैं, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। बाकी बैटरी परसेंटेज, ब्राइटनेस, स्लाइडर का ऑप्शन आपको मिलता है। किक सेटिंग में ये जो है ना ओपासिटी, ये मैंने कंट्रोल किया है जो कि आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा होगा, तो आप यहाँ से अपना है जो घटा बढ़ा सकते हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देखो ट्रांसपेरेंट थोड़ा कम हो चुका है, तो यहाँ पे इंस्टेंट काम करता है, ऐसा नहीं है कि आपको UI वगैरह रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इमेज का पूरा कलेक्शन मिल जाता है जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो किस टाइप का आपको इमेज चाहिए, उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा टैब। और ये जो ग्रीन देख रहे हो ना, ये वॉल पेपर चेंज करने के बाद उसके हिसाब से यहाँ पे कलर आपको देखने को मिलते हैं, तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, उसके आप वॉलपेपर के इफेक्ट्स वगैरह को भी कंट्रोल कर पाओगे। ब्राइटनेस स्लाइडर के कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिनमें से मैं ये लास्ट सेकेंड वाला यूज कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको स्लाइडर देखने को मिलता है, तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगी है। उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको एक्शन चिप ऑन गोइंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे डायनेमिक का फीचर्स मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन जहाँ पे एज लाइट कंट्रोल भी दिया गया है आप यूज करते हो तो, अनलॉकिंग एनिमेशन भी है और यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर आपको उसके फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि प्ले स्टोर का, फोटो स्टोरेज का, गेमिंग का और इग्नोर विंडो सिक्योर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे भाई सेटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गया है, जबकि इस रोम में जो कि पहले वीकली मैंने जितने अपडेट दिए हैं बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन रहते थे, बट ये QPR 2 है इसमें आपको इतने ही कस्टमाइजेशन मिलते हैं, लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुआ है, तो मे बी आने वाले टाइम में और कस्टमाइजेशन ऐड होंगे, बट हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और स्पेशली इस रोम का जो टच रिस्पॉन्स जो फील है ना वो मुझे पसंद आया है, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है ना हर बार चेंज होते रहता है, जो कि आप देखो यहाँ पे फिर से चेंज हो गया है, हेट्रागोना हेड्स, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, फिर से देखो यहाँ पे चेंज हो गया है और यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रहा था बेस्ट रोम एवर, और ये चीज़ भाई इस रोम को यूज करते समय फील भी होता है क्योंकि ये मुझे रियली में पसंद आया है। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ निकल के आता है, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, बाकी आप नीड के हिसाब से डाल सकते हो। कैमरा वगैरह मैंने चेक किया था, डे वगैरह में भी काम करता है और देखो बैटरी ड्रॉप जो कि 100 के बाद
मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पे 99, और यहाँ पे आप देख सकते हो 10 hours 11 minutes का यहाँ पे स्टैंड बाई टाइमिंग और 1% है, और ये मैं कहूँगा अब तक का सबसे हाईएस्ट स्टैंड बाई टाइम जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, और सबसे कम बैटरी ड्रॉप इस डिवाइस के लिए। और बैटरी ड्रॉप देख के भाई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि 10 घंटे के बाद भी 1% का ड्रॉप है, और ये रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ साथ अनटूट स्कोर जब मैं नॉर्मल टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीट गया है 44 और रिजल्ट काफ़ी डाउन है। आपको भाई बहुत वीक है, हाँ जब वीक है बेसिक यूज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रियली में आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस टूल का यूज करो, पावर टूल का यूज करो और परफॉर्मेंस को बूस्ट कर लो, आपका परफॉर्मेंस रियली में यहाँ पे बेटर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया, ये देख सकते हो। लेकिन हाँ, गर्मी का टाइम है तो आपका फ़ोन हीट होता है, तो अगर आप फ़ैन के सामने, कूलर के सामने या इसी के सामने प्ले करते हो तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि इस फ़ोन में ऐसे ही हीटिंग का इशू थोड़ा ज़्यादा रहता है हाइपरवाइजर स्टॉक रोम के साथ, और गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे में मैंने नॉर्मल बेसिक टेस्ट किया था, पंखा वंखा सब कुछ बंद करके, फिर भी यहाँ पे 49 गया, जबकि MIUI 50 चला जाता है, 50.7 चला जाता है। ये चीज़ अच्छा लगा जब आप कूलर के सामने या एसी में प्ले करती हो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा वार्म देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्कोर डाउन दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और देखो जब मैं परफॉर्मेंस या पावर टूल का यूज नहीं करता हूँ तब स्कोर कुछ इस तरीके से रहता है। तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके दे रहा है, तो समझो कि अगर आप कूलिंग कंट्रोल करते हो तो कितना ज़्यादा ये बेटर रिजल्ट आपको देगा। ये चीज़ भाई आपको जब यूज़ करोगे ना तब फील होगा रियली में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सीपीयू टोटल नॉर्मल के टाइम पे गर्म हो गया था फोन, काफी ज्यादा टोटल करता है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पावर टूल का यूज करता हूँ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे टोटल करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैं फैन वैन सब कुछ बंद कर रखा था, दोपहर के टाइम की ये टेस्टिंग है तो फोन गर्म हुआ था, जाहिर सी बात है गर्म हुआ था, कोई भी रोम डालोगे गर्म होगा ही होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करता हूँ, कूलर चालू कर देता हूँ, वहाँ पे सामने टेस्टिंग करता हूँ, तो आप देखो बूम रिजल्ट यहाँ पे बेटर आ जाता है, जो कि 4,08,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,37,000 है, और यहाँ पे टोटल भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर टेम्परेचर कंट्रोल करते हो तो ये वैसे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर टूल वगैरह यूज किए हैं वो लेटेस्ट है, उनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा है, बस थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद फोटो स्टोरेज वगैरह आपको अनलॉक मिलते हैं, क्योंकि सेटिंग दिया गया है, गेमिंग फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा अनलॉक मिल जाता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम वगैरह आपको मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। L1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने कुछ और कैमरे चेक किए थे, और डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है तो दिक्कत नहीं है, और हाँ यहाँ पे बेसिक और डिवाइस दोनों पास रहते हैं, तो बैंकिंग ऐप वगैरह आप यूज कर पाओगे, मैंने चेक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, अनऑफिशियल वगैरह बता रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं देता है, काम करता है। समटाइम जियो का एप्लीकेशन रूट वगैरह डिटेक्ट करता है, कुछ चीज़ें काम नहीं करती, तो वो सारे एप्लीकेशन भी मैंने यहाँ पे चेक किया और ये भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला। तो मेरे तरफ से तो ये रोम रिकमेंडेड होने वाला है, क्योंकि रोम भाई रियली में मुझे काफ़ी पसंद आया है, स्पेशली टच रिस्पॉन्स को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, और जो नया UI देखने को मिलता है ना काफ़ी लंबे टाइम के बाद, ये और भी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन फील देता है। बाकी QoS के अंदर टॉर्च का वही परसेंटेज आप घटा बढ़ा सकते हो, जो कि लाइट वगैरह है, ये चीज़ अच्छी लगी, और बाकी सिमिलर सी सेटिंग्स वगैरह आपको मिलती है। रही बात डालना कैसे है, तो ADB साइड लोड का मेथड फॉलो करना है, मैं आपको इस रोम का रिकवरी दे दूंगा, रोम दे दूंगा, आप डालो, वीडियो मैं लास्ट में ऐड करने वाला हूँ कैसे आपको ADB साइड लोड मेथड फॉलो करना है, उसे फॉलो करो और इसे इंस्टॉल कर लो। उसका यूज अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो या करने वाले हो तो बताना अपना ओपिनियन कैसा रहा, क्योंकि मुझे तो भाई रियली में पसंद आया है, और मुझे अगर रोम चेंज नहीं करना होता तो मैं इसे लंबे टाइम तक यूज करता डेली लाइफ में। आपका क्या है ओपिनियन बताना, और हाँ लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। स्टेप बता रहा हूँ उसे ध्यान देना है और फॉलो करना है। पावर ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन है जो फास्ट बूट पे ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका। अब आपको अपने फोन को PC से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास PC नहीं है, आपके पास सिर्फ फोन ही है, आप फोन मेथड फॉलो करना चाहते हो, तो मेरा फोन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख रखा है विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड, तो उसे देख लेना, उसमें वीडियो मिल जाएगा विदाउट PC के फ्लैश करने का मेथड, उसे देख के सेम मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप अपने फोन पे भी फॉलो कर पाओगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट फाइलें आपको बताई गई है वो सभी डाउनलोड करके अपने PC पे रख लेना है, या फिर आप फोन से कर रहे हो तो फोन में रख लेना है, और एक प्लेटफॉर्म टूल की जरूरत पड़ेगी PC पे, जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है, और इसी के अंदर सारी फाइलों को मूव कर लेना है जो भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं। तो मैंने यहाँ पे मूव कर लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो कि आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर टाइप करना है CMD, यहाँ पे टाइप करते ही विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है नहीं, तो उसका कमांड टाइप करना है वो डिवाइसेज इंटर, जैसे करोगे यहाँ पे कोड नजर आ जाएगा, यानी कनेक्टेड है नहीं है, तो आपको ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। अब जरूरत है रिकवरी फ्लैश करने की, हमेशा सपोर्टेड रिकवरी ही यूज करना, अगर सेम रोम है तो उसी का रिकवरी ले लेना, नहीं मिल रहा है तो किसी और रोम का भी रिकवरी आप यूज कर सकते हो, बस काम करने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कमांड डालने के बाद, और इंटर पे क्लिक,
यहाँ पे फ्लैश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। एरर आया तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, मे बी रिकवरी का प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर का या फिर केबल का। अब यहाँ पे फ्लैश हो जाने के बाद नेक्स्ट कमांड डालेंगे फास्ट बूट रिबूट रिकवरी और इंटर पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका फोन स्विच करेगा रिकवरी के मोड में। हमारा रिकवरी आ चुका, आपका डिफरेंट रोम रहेगा तो उसी के नाम से इसी लुक में डिफरेंट नाम का रिकवरी आपको नजर आएगा, लेकिन यूजर इंटरफेस काफी हद तक ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट करना है। अगर आपका टच काम करे तो टच का यूज करते हुए आप फैक्ट्री रिसेट कर लेना, अदरवाइज वॉल्यूम अप एंड डाउन और ओके बटन यानी पावर बटन का यूज करते हुए आप यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हो जाने के बाद इंस्टॉल अपडेट पे आना है, ADB साइड लोड पे आना है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा ADB साइड लोड, ये सेम चीज आपको PC पे टाइप करना है। टाइप कर दिया, अब जो भी रोम आप फ्लैश कर रहे हो जो भी सपोर्टेड है उसे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर आपको रिक्वायर्ड किया गया है FW फ्लैश करने के लिए तो सेम ये कमांड डालने के बाद आप जो FW को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, जो भी फाइलें हैं सबसे पहले डाल लेना उसके बाद रोम को डालना। तो मैंने रोम डाल दिया क्योंकि FW यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि 5-10 मिनट का टाइम लेगा। अगर यहाँ पे एरर आता है तो केबल को डिस्कनेक्ट करना, फोन को फिर से रिबूट कर लेना और फिर से ट्राई करना, आपका फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद लास्ट में इस तरीके से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है यस नो का, तो आपको यहाँ पे यस करना है, जिससे आपका रिकवरी का रिबूट होके है जो फिर से ऑन होगा। अगर आप किसी डिफरेंट रोम का रिकवरी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे रिबूट के टाइम पे आपका रिकवरी चेंज हो सकता है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, चेंज हो रहा है तो होने देना है। और मे बी कुछ ऐसे रोम रहते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने यप रोम फ्लैश किया था, उसमें इसी टाइप का रिकवरी है लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं बट प्रोसेस सेम ही रहेगा साइड लोड वाला, जो कि ADB साइड लोड है, तो बस सेम फॉलो करते रहना। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लैश कर लिया, इसमें ना ही मुझे निक गैस डालने की ज़रूरत है ना ही FW डालने की ज़रूरत है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूंगा, लेकिन आपको डालना है एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड की गई है। तो क्या करना है, सिंपल से फिर से यहाँ पे इंस्टॉल ADB पे आना है और कमांड आपको टाइप करना है PC पे, जो कि होगा आपका ADB साइड लोड स्पेस। अब जो जो फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे निक गैस रिक्वायर्ड है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, या फिर कोई रूट करने की ज़रूरत है तो उसकी फाइलें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कमांड ये सेम रहेगा, बस आपको 1x1 करके जो भी एक्स्ट्रा फाइलें हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फ्लैश करते जाना है 1x1, जैसे कि अभी मैंने रोम को फ्लैश किया है। सब कुछ फाइनल हो जाने वाइट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बैक और एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेना है सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे है जो आपको रिबूट कर लेना है सिस्टम। कुछ ही देर में आपका फोन ऑन हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे इजीली। ये गाइड मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक इस टाइप के रोम के फ्लैशिंग गाइड में मैं ऐड कर सकूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो कि लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये शूट कर रहा हूँ ताकि हर एक वीडियो में ऐड कर सकूँ, आपको सेपरेट वीडियो जाके वॉच ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वाला फ्लैशिंग गाइड रहेगा तो वो तो मैं आपको अलग से दे ही दूंगा, लेकिन सिमिलर टाइप का रहेगा तो सभी के अंदर मैं यही है जो वीडियो ऐड करने वाला हूँ। इसलिए आपको फाइल पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।